श्री राकेश गौतम जी, श्री मनीष तिवारी जी, श्री अनिल पांडे जी, श्री पंकज मिश्रा जी, श्री ठाकुर राहुल जी, हमारे ब्राह्मण समाज के कोऑर्डिनेटर क्षेत्र के श्री नागेश्वर द्विवेदी जी और पूर्व मंत्री हम लोग के बीच में बहुत ही लोकप्रिय बॉबी जी, यहाँ पर मौजूद सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक तथा आज इस बहुत सम्मेलन में पहुंचे हुए सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण और खास तौर से हमारे मीडिया के बंधु भाइयों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 23 तारीख से कितनी हलचल मच गई। हलचल इसलिए मच गई है क्योंकि ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो और ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है आपस में, जो भी उसका एक मन मुटाव किसी कारण से हो जाता है, बिखराव हो जाता है, उस सबको खत्म करके आज ब्राह्मण समाज एक ब्राह्मण समाज के रूप में उठ के खड़ा हो गया। और वो उठ के खड़ा हो नहीं था क्योंकि 4.5 साल से जिस तरीके से उसको दबाया गया, जिस तरीके से उसके ऊपर इस शासन के अंतर्गत लोग हमलावर हुए और खास तौर से शासन ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर प्रताड़ित करने का काम किया, लोगों की हत्याएं, एनकाउंटर, मारने का काम, जब से सरकार आई तब से ब्राह्मण समाज को खास तौर से चिन्हित कर लिया। दलित समाज के साथ साथ उन्होंने यार किसी को चिन्हित किया इस काम के लिए तो वो ब्राह्मण समाज के। आपने देखा 2017 में सरकार आई, आते ही रायबरेली में 5 नौजवान हमारे साथी ब्राह्मण समाज के, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। उनके घर घर नहीं कहेंगे हम, उनके पास झोपड़ियां भी छोटी छोटी, उन झोपड़ियों को भी तहस नहस कर दिया गया, उनको चलाने का काम किया गया और ये आगाज दे दिया गया कि अब हम इस समाज के साथ में खुल करके उसका विरोध करने के लिए इस सरकार को बना करके और यहाँ पर बैठ गए हैं। हम भी गए थे उस गांव में, उनके घर पे गए, कह दिया वहां यहाँ के मंत्री ने, जो उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, कि अरे ये लोग तो माफिया थे और इनको सही तरीके से मार दिया। माफिया अगर होते तो उनके पास जो इस सरकार में बैठे हुए माफिया लोग जिनका ये प्रोटेक्शन करते हैं, जिनको ये अपनी संरक्षण में रखते हैं, उनकी तरह से उनके पास भी कोठियां होती, वो झोपड़ी में नहीं रह रहे होते। और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में आपने देख लिया, अगर इन्होंने दलित समाज को चिन्हित किया तो ब्राह्मण समाज को भी छोड़ने का काम नहीं किया, दोनों को एक साथ चिन्हित। दलितों के ऊपर हमलावर हुए और ब्राह्मण समाज के ऊपर हमलावर, एक के बाद एक के बाद एक एनकाउंटर, हत्याएं, यहां तक कि एक व्यापारी को ब्राह्मण समाज के इतना परेशान किया कि बाद में कहते हैं कि उसकी हत्या हो गई, कहते हैं कि वो तो आत्महत्या थी और अधिकारियों के द्वारा उनको मरवाने का काम किया गया, जिनका काम होता है कि कानून की रक्षा करो, कानून द्वारा कानून का राज चलाओ, उन्हीं को कहा गया कि नहीं इन लोगों के ऊपर, इस समाज के ऊपर गोली का इस्तेमाल करो, रोक रोक करके, नाम पूछ करके। और जैसे ही नाम बताया कि ब्राह्मण समाज लखनऊ में, यही तो हुआ था, तिवारी बताया, गोली मार दी, घर से उठा ले गए, अपने परिवार के माता पिता को देखने के लिए समाज का एक व्यक्ति, कह दिया नहीं नहीं इसको उठा ले जाओ, उसका नाम तो बड़ा लिस्ट में है, और ले जाके एनकाउंटर कर दिया। इस तरीके से 40 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को
अज्ञात नामों में डाल करके पहले कहा कि अज्ञात लोग थे इसमें, जो कांड हुआ था विक्रम कांड उसमें, और उसमें अज्ञात के नाम पे 50 लोगों को उठवाया गया, घरों से उठा ले गए, किसी को लखनऊ से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ते में था, कोई मुंबई में था, लेकिन कह दिया कि सब के सब शामिल थे, क्योंकि निर्देश व आदेश ये था कि देख लो उस पूरे क्षेत्र में जो ये ब्राह्मणों का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ जितने भी मजबूत ब्राह्मण हैं, जितने भी ताकतवर ब्राह्मण हैं, उन सबका नाम डाल दो और उनको उठवा दो और उठवा के एनकाउंटर कर दो, मरवा दो, जेल में सड़ाने का काम कर दो। उसमें यह भी नहीं सोचा कि वो लोग वहां थे भी नहीं थे, लेकिन उठवाने का काम, मरवाने का काम कर दो। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को कहकर जब अपराधी कहकर के और एनकाउंटर करना होता है, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अलग अलग जगह जिस गाड़ी में ले जा रहे हैं उन्हें पकड़ के, वही गाड़ी फिसलती है, उसी से वो बाहर निकलता है, कहते हैं कि उसने हमने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की और उसको गोली मार दिया, उसका एनकाउंटर है। साढ़े एक 18-19 वर्ष का लड़का, उसको भी गाड़ी फिसल गई, उसका भी एनकाउंटर हो गया। कुछ झांसी में छत पे चढ़ करके सो रहे थे, वहां जाके मरवा दिया। पूरे प्रदेश में अगर गिनाने लगे तो एक घंटा तो इसी में चला जाएगा। और उसी तरीके से आपने देखा कि गिरते गिरते इतने नीचे गिर गए कि इन्होंने महिलाओं को भी, घर में जो काम करती थी, जिसकी 6 साल की बच्ची थी, 3 साल का बच्चा था, उसको भी उठा ले गए और उसको जेल में डाल दिया, उनके बच्चों को भी ले गए, आज भी जेल में। और महिला का दोष क्या बताते हैं कि वो उनके घर में काम करती थी, इसलिए आप उठा ले गए। आपने 2 दिन पहले खुशी दुबे, 2 दिन पहले उसकी शादी हुई और शादी होके वो घर में आई, 29 तारीख को शादी होती है, रात भर शादी हुई, 30 को उसका पहला दिन, 1 तारीख को उसका दूसरा दिन, हाथ में मेहंदी जो की वो भी नहीं सूखी थी अभी, और 2 तारीख को वारदात हो जाती, उसको उठा ले जाते और उसको बंद कर दिया ले जाके जेल में। पहले 6 दिन कहीं और रखा, उसका कोई जिक्र नहीं किया कहां ले गए, और उसके बाद 7वें दिन उठा के उसको जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद जब ये पता लगा 3 महीने बाद ये तो नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की है, तो उसको रिमांड होम में भेज दिया, बाराबंकी में बंद कर दिया ले जाके। और उसकी बेल ना हो इसके लिए जितने झूठे सबूत बनाने थे, जितने झूठे गवाह खड़े कर सकते थे, वो पूरे कोशिश करके उन्होंने अभी शासन की ताकत लगा करके उसके खिलाफ पूरा शासन पड़ा, तो छोटी सी लड़की के खिलाफ उन्होंने पुलिस वालों से बयान दिलाया कि हम लोगों ने छत पे देखा था, 2-3 औरतें थी उसमें से ये रही होगी, फिर देखा कि इसमें तो बेल हो जाएगी, इसमें तो बेल हो ही जानी है, तो उन्होंने फिर नया एक षड्यंत्र रचा, समय मांगते गए और फिर जो जेल अधीक्षिका दी, जो वहां की रिमांड होगी, उससे एक चिट्ठी लिखवा दी, कहा कि 48 लड़कियां 2 कमरों में रहती है यहाँ पर, और उन्हीं में से एक ये भी है, और इसने बाकी 47 लड़कियों को धमकी दी हुई है कि अगर हम जेल से छूट, यहाँ से छूट गए रिमांड होम से और बाहर निकल कर बेल हो करके, तो हम तुम सब लोगों को उठवा देंगे और ठीक कर देंगे। वो घुस जाएगी दोबारा वहां जाकर के उनको उठवाने के ठिकाने, और इसको लेकर के बेल खारिज करवाया सिर्फ इसलिए कि उनको उसको सबक सिखाना था, ब्राह्मण समाज के परिवारों को, सबको, हरेक को, उस लड़की को भी उठा दिया। आज समूचे प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा क्यों हुआ, आपको याद होगा इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने, जब 2003 से लेकर और 2007 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट और कांग्रेस के सपोर्ट से बनी थी, और उसने 3 साल सरकार चलाई थी, 3.5 साल, तो उस समय जिस तरीके से दलित समाज और ब्राह्मण समाज के ऊपर ये लोग हमलावर हुए थे, वो सबने देखा किस तरीके से बेइज्जत करने का काम किया गया था,
ब्राह्मण समाज के लोगों को, कैसे कन्नौज का जो नीरज मिश्रा नाम करता था वो मैगजीनों में अखबारों में निकला था, आपको उनकी पढ़ा होगा, उसका सर कटवा करके और लखनऊ में मंगवाया था देखने के लिए, क्योंकि उसने उससे नाराज हो गए, नाराज हो गए थे क्योंकि उसने अपनी आवाज जरा उठा दी थी उनके साथ। तो ये वो समाजवादी पार्टी जिसको वो खाक फेंकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के बीच में जब हम गए थे और जा करके उनसे हम जिसे अभी गए जा रहे हैं उस समय भी जिले में गए और हमने कहा था कि आपका साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हिम्मत क्यों कर रहे हैं इस तरह से करने में, क्योंकि आप अपनी ताकत खो बैठे हैं, आप धीरे धीरे असेंबली में भी 5 ब्राह्मण रह गए थे, आप शून्य हो रहे हैं और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इकट्ठा नहीं है, आप एक साथ नहीं, आप बंटवारा किए हुए हमने, इकट्ठा हो जाएंगे जिस दिन 13% ब्राह्मण, हम तो हमें तो आंकड़े हमारे पास है कि 15% है लेकिन 13% सरकार कहती है, 13% मान लीजिए तो आप 3 करोड़ के ऊपर और इतनी बड़ी संख्या होते हुए आपको परेशान करने की, आपके ऊपर बेइज्जत करने की, आपके जेल में भेजने की, आपकी हत्याएं करने की योजनाएं बना सकते हैं ये लोग बैठ करके ऊपर, तो इसीलिए क्योंकि आप एक साथ एकत्रित नहीं हैं और हमने कहा था एकत्रित हो जाइए, भूल जाइए आपस का बंटवारा खत्म करके कि हम 20 बिस्मा है, 16 बिस्मा है, 12 बिस्मा है, हम तो कानीपुर के ब्राह्मण है, सराहने ब्राह्मण है, सरजूपाली ब्राह्मण, ब्राह्मण के नाम से अपने आप को जानिए, जिस दिन ब्राह्मण के नाम से जानेंगे आप 13% हो जाएंगे और लेकिन वो भी है कि 13 से कुछ नहीं होने वाला और जहां 13% 23% के साथ मिल जाएंगे, 23% जो हमारे बहुजन समाज पार्टी में हमारे बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो एक पहाड़ की तरह अड़िग रहते हैं, खड़े रहते हैं, कोई कुछ कर ले जैसा भी कर ले वो खिसकने का काम नहीं करते हैं, वो हमारे दलित समाज के भाई बहनों के साथ में हो गए। जैसे ही उनके साथ में आप हाथ से हाथ भाईचारा बना करके इकट्ठा होंगे तो आप 36% हो जाएंगे, आप इस प्रदेश की हर सीट पर भारी पहुंच जाएंगे, हर सीट पर आप चुनाव जीतने की ताकत रख लेंगे, लोग इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, एकत्रित हुए और आपने दिखाई दी अपनी ताकत, सरकार बना दी आपने अपनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आपने उत्तर प्रदेश में और बहन मायावती जी ने अगर वादा किया था सबसे कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको बढ़ चढ़ करके देने का काम करेंगे, 9 जून 2005 में 5 लाख ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक में शंखनाद करते हुए, उन्होंने ये बात कही थी तो उन्होंने वो हिस्सेदारी भी दी, उन्होंने कहा था जिसकी जितनी तैयारी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी देने का काम किया उन्होंने 45 ब्राह्मण समाज के लोग 82 सीटों पर लड़ाने के बाद 82 से 85 सीटों पर लड़ाया था और 45 लोग जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे जहां पहले 2 थे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी अपना पूरा योगदान निर्देशन में दिया था भाईचारा बनाते हुए और उसी का नतीजा हुआ था कि जहां रिजर्व सीटें थी वहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके योगदान देते हुए तन मन धन से अपना आगे बढ़ करके और योगदान देने का नतीजा निकला था कि जब उन्होंने जब गिनती गिनी गई रिजर्व सीटों की, पहले 16 जीते थे हम लोग रिजर्व सीटों में लेकिन 2007 में 65 सीटें हम लोग जीते थे क्योंकि ब्राह्मण समाज ने 2012 से लेकर 17 के बीच में प्रतापगढ़ के राजा राम पांडे जी जो कहते थे कि मैंने तो समाजवादी पार्टी जब उसकी नींव रखी गई थी तब मैं था वहां पर, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया, इतनी बेइज्जती की गई, मंत्रिमंडल से बुला के बेइज्जत करके हटाया गया, वो अपने घर पहुंचे जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा, समाजवादी पार्टी ज्यादा गिरा, जब वो घर में पहुंचे तो उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे मंत्री जो रखे थे उन्होंने प्रोटोकॉल मंत्री, खेल कूद मंत्री, इस तरह के मंत्रालय दिए, जबकि बहन मायावती जी ने अगर 15 मंत्रालय दिए ब्राह्मण समाज के लोगों को
तो उन्होंने जो सबसे चुनिंदा है अगर सबको दिया तो ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने सबसे मजबूत जो मंत्रालय थे लघु दुबे के पास ही 6 से 7 मंत्रालय थे और उन्होंने उनको देकर देने का काम किया। पर 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने चेयरमैन बना करके मंत्री का दर्जा दिया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना करके उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के, और इतने ही नहीं चेयरमैन भी विधान परिषद का ब्राह्मण समाज को बनाने का काम किया था उन्होंने। 6 से ज्यादा सांसद ब्राह्मण समाज के भेजे, नेता राज्यसभा में हमको पिछले 17 वर्षों से 18 वर्ष चल रहा है राज्यसभा में मेरा, उन्होंने नेता बना के हमको रखा। उन्होंने लोकसभा में भी श्री रितेश पांडे को जो ब्राह्मण समाज से है उनको नेता बनाया होगा, और इतना ही नहीं चाहे वो शासन हो प्रशासन जहाँ पर लोग बैठते हैं पुलिस वाले हो अधिकारी हो वहां पर भी जो ब्राह्मण समाज के अधिकारी थे उनको जिनको भी समाजवादी पार्टी में जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति है दलित समाज के व्यक्ति और वहां पर अधिकारी है वो छोड़ दीजिए, 1-2 जो होंगे साथ में खाली झोला उठाने के लिए तैयार रहते हैं उनको, लेकिन बाकी लोगों को एकदम किनारे डाल रखा है। लेकिन बहन मायावती जी ने आते ही उन सबको सही स्थान पर बैठाने का सब समाज को किया था तारीफ, एक समाज को नहीं, क्योंकि बहन मायावती जी का हम लोग पार्टी का नारा ही है और उनकी सोच है कि सब जन हिताय सब जन सुखाय और समता मूलक समाज बनाने की जो सोच है और उसी को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया गया, उसी तरह का समाज बनाने के लिए दिन रात मेहनत की गई। लेकिन आज तो सिर्फ इस बात की सरकार चल रही है कि हमको आपसे वोट लेना है, वोट लेने के लिए आपके साथ जितने भी झूठे वादे करते हैं जितना भी बरगलाना है वो हर स्तर नीचे से नीचे स्तर तक जा सकते हैं। यह आपको मान लेना चाहिए कि आपके बीच में जो आएंगे तो ये कंपटीशन करते हैं आपस में कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है उनका नेता, और उस तरह से झूठे वादे करते हैं जिस तरीके से कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे हर साल, और 2 करोड़ लोगों की नौकरी हर साल लेने का काम किया, 15 लाख करे के खाते में जाएंगे, बाद में कहा वो तो झूला था, उन्हीं के शीर्ष नेता ने कहा वो तो एक झूला था। इसी तरीके से आज नौजवान जो हमारे साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं जो PhD और डिग्री होल्डर घूम रहे हैं उन्होंने जब नौकरी मांगी कहा कि 2 करोड़ कहां गई, तो कहते हैं कि हम नौकरी तो नहीं दे रहे हैं आपको लेकिन आपका रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। GST लगा दी, नोटबंदी कर दी, सब कारखाने बंद कर दिए और बंद करने का नतीजा हुआ कि सारे मजदूर सड़कों पे आ गए और जो ये नौजवान साथी थे जो रोजगार मांग रहे थे उनसे कह दिया कि जाओ और तुम अपना रोजगार करो। कौन सा रोजगार करे, बोले पकौड़े बेच, पकौड़ा बेच करके अपनी जीविका चला सकते हो तुम लोग, बढ़िया सा रोजगार, पढ़े लिखे हो इसके अच्छा पकौड़ा बनाओगे और अच्छा बिकेगा। लोगों ने कहा ठीक है, नौजवानों ने पकौड़े के लिए अपना कढ़ाई वढ़ाई रख के बेचा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब तो इसमें तेल खत्म हो गया क्योंकि तेल इतना महंगा कर दिया है इस सरकार ने कि तेल पकौड़ा बनाने के लिए तेल भी उपलब्ध नहीं रह गया। ऐसी स्थिति इस सरकार, ये सोच है इस सरकार की नौजवानों के लिए। आज महिलाओं का उत्पीड़न पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहा, जिस तरीके से रेप हाथरस का कांड आपने देखा कि दलित समाज की महिला किस तरीके से उसका रेप होने के बाद और उसको चूंकि दूसरे लोग जिन्होंने जो उसमें मुलजिम थे वो सब चहेते थे इनके, इस वजह से उनको बचाने के लिए पूरी ताकत का पूरा शासन प्रशासन लग गया और यहां तक कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके शरीर को भी उन्होंने उनके घर वालों को नहीं देने देखने नहीं दिया। मीडिया पूरे देश का मीडिया, हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं इस संबंध में कि कम से कम इनका असली चेहरा उन्होंने उस दिन दिखाया तो था कि कितने स्तर नीचे स्तर तक ये जा सकते हैं कि लखनऊ से फोन में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है किसी भी हालत में उसका शरीर उनके घर वालों को बदल देना, और फिर कहा कि आधी रात में जला दो,
पुलिस वाले उनका ये काम है, वो भी परेशान होकर एक आदेश निर्देश कि नहीं उसका शरीर जलाना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया सब काम छोड़ दो, वहीं खड़े हो जाओ और पूरी फोर्स लगा दो और उसका शरीर घर वालों को मत देना। रात के 2:30 बजे ले जा करके घर वालों को सीटों के पीछे बंद करके पूरा कर्फ्यू लगा करके और ले जा करके खेतों में उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जलाने का काम किया, दाह संस्कार करने का काम किया। इस स्तर तक ये लोग नीचे उतर जाते हैं और गिर करके काम करने का काम करते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतने नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ये इससे भी नीचे जा सकते हैं। एक बार इनको और मौका दे दीजिए आप, अगर आपको देखना है कि अब ये कितने नीचे जा सकते हैं तो इनको एक बार और मौका दे दीजिए। अभी तो हर 2 घंटे में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें उसके हिसाब से हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तब तो ये घंटों घंटों में रेप होने लगेगा अगर आपने एक बार और मौका ले लिया। 3 करोड़ से ज्यादा की संख्या में आप लोग हैं, लेकिन दहशत में इतना आपको रख दिया है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, आप इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। और अगर इनको 5 साल और दे दिया आपने तो ये निश्चित मान लीजिए कि ये आपको इस प्रदेश से बाहर निकाल लेगी, पूरी की पूरी योजना बना लेंगे कि इनको यहां से बाहर कर दो। और आपके सामने भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगने आ जाएंगे, देश के नाम पे मांगने आ जाएंगे, हिसाब देंगे, बताएंगे नहीं हमें 5 साल में कहां गर्त में पहुंचा दिया इस देश को, इस प्रदेश को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को, उसका हिसाब आपको नहीं देने आएंगे। अगर हिसाब मांगेंगे तो आपको अंदर कर देंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करने अगर आप चले जाएंगे तो आपसे प्रश्न करेंगे। हमसे प्रश्न किया, जैसे ही हम अयोध्या गए पूरा हर तरफ से हलचल मच गई कि अयोध्या क्यों आ रहे हैं, और जब हम चले गए तो दर्शन क्यों कर रहे हैं, जब दर्शन कर लिए तो प्रश्न किया गया कि आप अयोध्या क्यों आए, कैसे आ रहे हैं, आप तो बहुजन समाज पार्टी के, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों को खाली हाथ से आने का, उनका कोई पास है बनाई बनवाइए उनसे और जाइए, तब आपको भगवान की लला के दर्शन हो सकते हैं, वरना उनके हिसाब से खाली उनके हो सकते वो लोग कर सकते। क्योंकि अगर आप अयोध्या जाने लगे, आप वहां पर व्यवस्था देखने लगेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप फौरन आपके मन के अंदर आएगा कि अरे हम तो समझते थे अयोध्या तो पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने, क्योंकि रोज टेलीविजन में हर महीने एक कार्यक्रम वहां करते हैं नदी किनारे, वो कहते हैं सभी नदी किनारे कि इतना हमने 200-250 रुपया खर्च करके करते हैं जब हम कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि ये 500 रुपया रोज विज्ञापनों में खर्च करते हैं, 250 रुपया इनके हर कार्यक्रम में होता है अयोध्या में, तो वहां पर लगता है कि पता नहीं इतनी लाइटें लग गई, ये लग गया और क्या हो गया। सरयू तट में जो बने हुए हैं, जो किनारे वो बनाया गया था, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने, लेकिन ये वहां जाकर के अपना दिखावा दिखाते हैं। और अयोध्या के जब अंदर चले गई तो वहां आपको इतनी व्यवस्था दिखेगी, लगता ही नहीं कि वहां पर कुछ कोई 10 पैसे का भी हुआ। उनको यही घबराहट होती है, क्यों चाहते थे कि हम ना जाए वहां, क्योंकि लाखों लाख करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, अभी से नहीं 30 वर्षों से कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे, पूरे देश के हर व्यक्ति को कह करके उन्होंने रुपए इकट्ठा किए, विदेशों से रुपए मंगाए, डॉलरों में रुपए मंगाए, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी सरकार केंद्र में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, चाहते तो एक मिनट में कानून बना के कर सकते, नहीं किया, क्योंकि नियत नहीं है, नियत साफ नहीं है, अगर कर देंगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर वोट काहे पे मांगे, फिर तो आम जनता सब कहेगी हमारा क्यों क्या कर रहे हो, हमारी रोटी रोजी क्यों छीन ली, हमारी नौकरी क्यों छीन ली, हमारे महिलाओं को असुरक्षित क्यों कर दिया, हमको क्यों मरवा रहे हो, ये सारे प्रश्न उठने लगे। तो ये प्रश्न ना उठने पाए इसलिए आपको उसी घेरे में बांध के रखते हैं, आप हिसाब मांगने लगेंगे ये लाख करोड़ रुपए कहां गए, कहां लगा दिया आपने, फिर आपको जानकारी धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो पता लगेगा
कि ये रुपया तो लाखों लाख करोड़ रुपया ये अपने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाने के लिए लगाते हैं। चुनाव आ रहा है, 50,000 करोड़ रुपया इनका खर्चा होगा, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी तो हर जिले में एक हेलीकॉप्टर, 500 हेलीकॉप्टर तैयार किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 रथ तैयार किए जा रहे हैं, जो कि रथ बनेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। 50-50 हवाई जहाज छोटे वाले जगह जगह जाने के लिए करे जा रहे हैं। तो ये सब कहां से लाएंगे? तो ये सब रुपया जो इकट्ठा किया है भगवान श्री राम के नाम पे, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपने देखा कि ट्रस्ट में सवाल उठे तो मीडिया वालों ने उसके अंदर जाके खोजबीन कर दी, तो उस रुपए का दुरुपयोग निकाल के सबके सामने रख दिया, पूरे प्रदेश की जनता के सामने रख दिया। हमसे प्रश्न कर रहे थे आप यूं कि हम यहाँ क्यों आए, तो मैंने तो नहीं कहा कि हमको आप रोकने वाले कौन है, यहाँ रोक लोग घर में तो नहीं हमारे रोक पाओगे। हम तो जब से होश संभाला, जब से भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और हम घर से निकलते हैं तो संस्कारों में डाला गया है कि भगवान श्री राम की आराधना करो, आप माँ देवी की आराधना करो, दुर्गा माँ की करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, 55 में रटा दिया गया, उसके बाद घर से निकलो पूजा करके। तो आप अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो आपको क्या इतराज हो रहा है? तो कहते नहीं, वो तो बाद में पता लगा। जो ये जितने संत महात्मा वहां पर है, खास तौर से ब्राह्मण समाज के जो है, अब वो किनारे किए जा रहे, पूरे प्रदेश से हो रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा मंदिरों से, कहा जा रहा है इनको मंदिरों से बाहर करो और इनकी जगह जो है और लोगों को लाओ। मंदिरों का अधिग्रहण शुरू हो गया, मंदिरों में कब्जा शुरू हो गया। अभी गुरु पूर्णिमा में जो गुरु पूजा के नाम पे हर मंदिर में इन्होंने अपने भेज दिए और कहा कि जाओ वहां के जो लोग भी महंत हैं उनके साथ मिलकर बैठो और उसके बाद उनको बाहर करने का काम करो, अपने कब्जे में। ये इनकी नियत है, ये तो पूरा समूचा सनातन धर्म ही खत्म करना चाहते हैं। अगर ये नियत नहीं होती तो संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद नहीं करा। 1400 में से 500 संस्कृत के विद्यालय बंद हो गए क्योंकि इन्होंने टीचरों की नियुक्ति वहां पर करना बंद कर दिया। वहां खाली ताला खोलने वाला, चाबी लेकर ताला बंद करने वाला व्यक्ति रह गया है, तो वहां बच्चे कहां से पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा उनको? जब ये नहीं पढ़ेंगे तो वेद पाठ कौन पढ़ेगा? और उसके बाद क्या होगा कि पढ़ेंगे नहीं तो आगे बताने वाला कौन होगा? इसलिए धीरे धीरे ये संस्कृति भी खत्म हो जाए और सनातन धर्म भी खत्म हो जाए, इस तरह की बहुत लंबी की योजना है जिसको समझने की आप लोगों को जरूरत है। भाइयों बहनों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफ है जिसने जो है सारे धर्मों को साथ में लेकर, सबको एक साथ में लेकर और हर जाति को एक साथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम किया और सरकार चला के दिखाने का काम किया, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, इसका कोई कारण तो है। अपने कानून द्वारा कानून का राज चलाया, अगर आपका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 15 दिन की सरकार थी, सिर्फ घर में बुला करके उसने अपने हाथों में कानून को लिया था, घर से जेल में भिजवाने का काम बहन मायावती जी ने किया। कानून का राज चलाने के लिए फिर वो कोई भेदभाव नहीं करती, ये नहीं देखती थी कि ये हमारा अपना या पराया, सब कानून के आगे सब बराबर, मुजरिम है तो कानून के लिए सब जो मुजरिम है। लेकिन इनके यहां अगर उन्नाव में रेप हो गया है तो देखो, अरे वो तो अपना अपना आदमी, अपना एमएलए, अपनी अपने ही जिसको हम लोग बढ़ावा देते हैं उसी का वर्का है, तो इसमें उसको मत छेड़ो, उसको जो करना है करने दो। बलिया में दिन दहाड़े जो है वहां पर पिस्तौल से गोली मार दी, एक एसडीएम एसडीएम सब खड़े देखते रहे, लेकिन उसको बचा लो क्योंकि वो दूसरा वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो अपना है। इस तरीके से अगर सोच रखेंगे आप तो कानून का राज इस प्रदेश में कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सब सारी बातों की गोष्ठी का हम लोगों का उद्देश्य यही है कि आप लोग इन बातों को गंभीरता से लें
और गंभीरता से लेकर के अपने बीच में अपने लोगों के बीच में जाएं, अपने तक इसको सीमित ना रखें, उनको ये बातें बताएं और बता दें कि अब करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण समाज से खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान रखिएगा कि आप भगवान श्री परशुराम की वंशज हैं, तो डरने का काम हम लोगों का नहीं। इसलिए इन बातों को बता करके सबको इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए और अगली बार हम लोग इनको बाहर का रास्ता दिखा करके उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाइए, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके दोबारा इस प्रदेश में कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित करने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे हमको दूसरे को कार्यक्रम करने में आने में देर लगी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को भी धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत।